तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से किसी से भी आप खरीद सकते हो। तो मैंने अमेजोन से ये गाड़ी मंगाई है, वीडा V1 है ये, जो कि हीरो मोटरकॉम की तरफ से आती है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये। तो इसके बारे में बताऊँगा आपको कि मैंने इसको कैसे क्या परचेज़ की है और कितनी क्या मेरे को ये। तो इसकी अगर मैं एक्सोरूम की बात करूँ तो ये एक्सोरूम मेरे को अमेजोन पे सेल के अंदर 1,14,000 मिली है, जो मैंने नो कॉस्ट ईएमआई मंगाई 6 महीनों की में। तो मेरे को 19,000 करीबन इसकी किस्त आती है महीने की, तो 6 महीने की किस्त आएगी। और इसके अलावा 11,000 रुपये मेरे RTO और इंश्योरेंस के लगे हैं। और ये गाड़ी जैसे अपन ऑनलाइन गाड़ी खरीदते हैं वो कैसे मिलती है, तो ऑनलाइन अगर अपन व्हीकल परचेज़ करते हैं तो उसमें वो जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कुछ वो उसमें होता है, ऑनलाइन सिर्फ ऑर्डर होता है। उसके अलावा ऑर्डर जो है शोरूम वालों के पास आता है, शोरूम वाले आपको कॉल करते हैं कि भी आपको डिलीवरी घर पर लेनी है, आप शोरूम लेके जाओगे। तो आप दोनों कर सकते हो, उसमें आप शोरूम से भी लेके आ सकते हो या घर से भी। तो मैं इसको शोरूम पर लेने गया था, तो मैं इसको अजमेर से लेके आया, अजमेर से कुचामन सिटी लेके आया था मैं। तो करीबन अजमेर से कुचामन 101 किलोमीटर पड़ता है, तो 100 किलोमीटर चल गई थी एक बार में। तो मैं वहाँ से अजमेर से फुल चार्ज थी, वहाँ से लेके आया कुचामन, तो 100 किलोमीटर ये पहली बार में चल गई थी। मेरे को लगा था ऐसा कि भाई डिस हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, कि मेरे को विश्वास था हीरो मोटोकॉम की गाड़ी है तो ऐसे मतलब होना नहीं चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जैसे ऑनलाइन अपन व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें कोई धोखाधड़ी वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शोरूम से ही लेते हो गाड़ी, जैसे अपन नॉर्मल शोरूम से खरीदते हैं, उल्टा ऑनलाइन आप खरीदते हैं तो आपके थोड़े पैसे बचते हैं। जैसे आप स्प्लेंडर वगैरह और भी बाइकें हैं जो मिलती है, बाइक वगैरह मिलती है फ्लिपकार्ट पे और बजाज चेतक वगैरह मिलती है। तो अब इसकी बात करते हैं कि अब मैंने हीरो की ये वीडा V1 क्यों खरीदी, क्योंकि मेरे को क्या 3 गाड़ियाँ में से कोई एक लेनी थी, या तो ओला लेनी थी जो ओला का टॉप मॉडल आता है S1 Pro वाला सेकंड जनरेशन वाला, या फिर बजाज चेतक है या फिर वीडा V1 है, तीन में से एक लेनी थी। इतर की सीट और छोटी आती, इस चक्कर में इतर पे नहीं गया, क्योंकि मैं क्या एक फैमिली वाला आदमी, तो मेरे को क्या 2-3 आदमी बिठाने पड़ते हैं कभी कभार जाने के लिए, कम से कम 2 या 3, एक बच्चा वगैरह, हम 3 जन तो बैठते हैं कम से कम। तो उसके लिए मेरे को फैमिली इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए था, तो इसलिए मैं तीनों में गया। तो तीनों में से अगर ओला की बात करूँ मैं, तो ओला के शोरूम में गया था मैं, तो वहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज़्यादा लग रहा था मेरा। जैसे 1.45 की वो ऑन रोड पड़ रही थी, उसमें ब्याज वगैरह लग के वो 1.65 की पड़ रही थी, 20,000 रुपये मतलब उसमें ब्याज लग रहा था। तो इसलिए मैंने ओला ली नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन था नहीं। बाकी जैसे कुछ कार्ड के ऊपर ऑप्शन है, जैसे 1 कार्ड है, IDFC है, तो उनका पैसा मेरे पास क्रेडिट कार्ड था नहीं, तो इसलिए उसका मामला बैठ नहीं पाया। सेकंड में बजाज वालों के पास भी गया था, उसमें अगर वो ऑनलाइन बुक कराते हैं बजाज को तो उसमें भी ऑनलाइन वो 2,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद में वही सेम प्रोसेस रहता है उनका, उसमें भी ब्याज वगैरह ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने बजाज वाला भी ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा भाई जो गाड़ी लेनी है अपन को तो अपन जो इसके जो पेमेंट लगता है वही पेमेंट देने, ज़्यादा पेमेंट देने से क्या मतलब है। तो फिर मैंने ये हीरो की खरीदी, इसमें 1-2-3 बेनिफिट भी रहे मेरे को, क्योंकि रिमूवेबल बैटरी वगैरह मिलती है, मैं जहाँ रहता हूँ मैं ऊपर की तरफ रहता हूँ तो गाड़ी जा नहीं सकती, तो बैटरी वगैरह खोल के मैं आराम से चार्ज वगैरह कर सकता हूँ। और गाड़ी को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर ये इसके साथ में एक की मिलती है, जिससे आप इसमें इससे गाड़ी कहाँ है आपकी फाइंड कर सकते हो, या आप इंडिकेटर जला सकते हो और इससे बूट ओपन कर सकते हो। इसके साथ में अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल की आपको 2 मिलती है, एक तो ये मिलती है, एक और मिलती है इसके साथ में, ये बूट वगैरह ओपन करने के लिए होती है। और बाकी अगर मैं आपको गाड़ी कैसी क्या है, ये गाड़ी है, आगे का व्यू इसका यहाँ पे इसमें दे रखे हैं, साइड में ये 2 इंडिकेटर दे रखे हैं, इसके ब्रेक वगैरह है, ये इसके मोड जो आते हैं उसके बारे में है, ये लाइट वगैरह पीछे यहाँ पे, ये इसकी मेन लाइट है, LED वगैरह दे रखी है, ये टायर है इसके, टायर MRF के दिए इन्होंने मेरे को। इसके अलावा इसमें ये है अलॉय व्हील वगैरह दे रखा है, ये डिस्क ब्रेक है इसमें आगे की तरफ। और बाकी चीज़ दिखाऊँ तो चेसिस नंबर इन्होंने यहाँ पे दिए, यहाँ पे इसके चेसिस नंबर है, और ये फुटरेस्ट वगैरह है, ये इसमें फुटरेस्ट वगैरह दे रखा है, और पीछे की तरफ MR टायर दिया है, और इसमें पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक ही है। और सस्पेंशन की अगर बात करूँ मैं तो पीछे की तरफ इन्होंने सिंगल सस्पेंशन दे रखा है, यहाँ पर ये इन्होंने मोटर लगा रखी है, थोड़ा सा ये वायर है जो यहाँ दिखता है। बाकी इसमें स्टैंड दोनों है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है 7 इंच की, साइड में 2 मिरर है इसके, ये दे रखे हैं मिरर, और ये मोड वगैरह के लिए, पार्किंग मोड वगैरह के लिए। और बूट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसका चार्जर है, ये दे रखा है इसके अंदर चार्जर, ये चार्जर बंद करने की रबड़ आती है इसमें, मैंने बंद कर रखा है,
यहाँ से ये चाबी लगती है, इसके अंदर दो बैटरी दे रखी है, यहाँ से अपन चार्जिंग लगती है इसके अंदर। इसके अलावा पीछे की तरफ ये डिग्गी है इतनी बड़ी, इसमें स्पेस है। और इसको भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसी क्या चलती है। चाबी होनी चाहिए आपकी जेब के अंदर, आपको यहाँ से ये बटन दबाना है और ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगी इसकी। ये डिस्प्ले ऑन हो गई है, वीडा पावर बाय हीरो। ये हैंडल लॉक भी खुल गया इसका। और ये यहाँ पे इसमें फास्ट चार्जिंग दे रखा है, ये आप देख सकते हो, जो कि एक घंटे में फास्ट चार्ज हो जाती है। इसके अलावा साइड मिरर वगैरह, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो डिस्प्ले, बाकी टच भी काम करती है इसकी। ये इसका ऑन हो गया डिस्प्ले। टोटल मैंने इसको 501 किलोमीटर चला लिया है। इसके अलावा इसमें रेंज कितनी है जो बता रहा है ये, अगर आपको इसको ऑन करना है तो यहाँ से इसका बटन दबा के और यहाँ से ये सेट का बटन दबाना है, इससे ये ऑन हो जाती है। ये पावर मोड में आ गई है, मोटर ऑन हो गई है। इसके अलावा रेंज कितनी दिखा रहा है, इसके अलावा आप मोड चेंज करोगे तो रेंज कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इसमें स्पीड आपको 70 की मिलती है, स्पोर्ट्स मोड में आपको 80 की स्पीड मिल जाती है। इसको भगा के देखा है मैंने, 80 तक भग जाती है ये। और इसके अलावा इसमें ये पार्किंग मोड वगैरह दे रखा है, पार्किंग मोड ऑन करने के लिए आपको यहाँ से ब्रेक मार के और यहाँ से स्टार्ट, ये पार्किंग मोड ऑन हो गया। इससे आपको तीन की स्पीड से आगे और 3 की स्पीड से पीछे ले सकते हो आप पार्किंग मोड में। इसमें टेम्परेचर वगैरह दिखाता है डिस्प्ले की। और अगर डिस्प्ले में बात करूँ मैं तो ये पार्किंग मोड पहले बंद कर लेता हूँ, मैं सेटिंग में दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले में क्या क्या है। अब इसके नंबर वगैरह आए नहीं, आरसी वगैरह आई नहीं है तो इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, बाकी इसमें अपन कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। और भी चीज़ें दिखाएगी इसमें, ये बैटरी वगैरह के बारे में दे रखी है। अबाउट डिस्प्ले ये है, इसमें डिस्प्ले मोड कौन से कौन, डार्क मोड वगैरह दे रखे हैं इसके अंदर मोड जो है वो। इसके अलावा माई स्कूटर में कनेक्ट वगैरह में ये फीचर आपको मिल जाते हैं। ये अपन गाड़ी को खड़ी कर दिया है और जैसे ही अपन ये साइड वाला स्टैंड लगाते हैं तो इसमें ये ऑफ लिखा जाता है मोटर का। इसमें इसको ओपन करते ही, इसको ऐसा करते ही सीट ओपन हो जाती है, पीछे से आवाज़ आ गई है। और इसको जैसे करेंगे इसको तो ये हैंडल लॉक हो जाएगा, गाड़ी की लाइट बंद है तो ऐसे ही हैंडल लॉक वगैरह हो जाता है इसके अंदर। ये हैंडल लॉक हो गया है। ये वाला वीडियो जब मैं शोरूम पे गया था गाड़ी लेने, तब बनाया था मैंने, क्योंकि गाड़ी में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं, तो वो देख लेते हैं अपन। तो ये वीडियो बनाया था मैंने, इसलिए बनाया कि ये महंगा अपन जब कोई गाड़ी खरीदते हैं अपने पैसे लग रहे हैं तो एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको गाड़ी पूरी देखी मैंने, इसके अंदर पूरी गाड़ी का वीडियो बनाया मैंने। मैंने इसका जो ऑर्डर किया था मैंने अमेज़ोन से 18 फरवरी को किया था, तो इनका जो शोरूम वाला कॉल आया था मेरे पास 27-28 तारीख को कि भाई आपकी गाड़ी है आप ले जाओ आके, तो इनके पास क्या कलर अवेलेबल नहीं था ये वाला ऑरेंज वाला, तो फिर मैं लेके नहीं आया। फिर इनका 3-4 तारीख को वापस कॉल आया मेरे पास में कि आपकी गाड़ी रेडी है आप ले जाओ, तो फिर मैं 8 तारीख को लेकर आया। 8 तारीख को मुहूर्त अच्छा था शिवरात्रि के दिन, तो मैंने 8 तारीख को लेकर आया। तो ये मैंने गाड़ी का पूरा वीडियो उठा के पीछे की तरफ से पूरा सारा कि भाई कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, बाद में शोरूम वाले के लिए नहीं है ये तो आपने डैमेज किया है, इसलिए मैंने पूरा गाड़ी का वीडियो बनाया, क्योंकि हर चीज़ तो अपन देख नहीं सकते। वैसे मैंने अच्छी तरह से देखा था गाड़ी को, लेकिन मैंने वीडियो भी बना दिया साथ में, मैंने कहा एक बार वीडियो बना लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये शोरूम के अंदर ही है, मेरी गाड़ी खड़ी है नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू, और उसका वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसमें देख सकते हो आप आगे की तरफ बिल्कुल नहीं है, वीडा की ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे, और ये लाइट वगैरह ऑन है, गाड़ी की सारी लाइटें ऑन करके फिर वीडियो बनाया मैंने। इसके साथ मेरे को हेलमेट दिया है एक साथ में, और पीछे वाली लाइट भी ऑन है, साथ में ये टेम्परेरी नंबर लगा के दिए इन्होंने मेरे को, और इसके साथ मेरे को एक चार्जर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा भैया ब्लूटूथ से कॉल के दिखाओ, तो इन्होंने यहाँ पे मेरे को बूट स्पेयर भी कॉल के दिखाया। यहाँ पे दो बैटरी लग रखी है, तो और पीछे की तरफ ये चार्जर दिया है ये वाला, और चार्जर रखने का एक नीचे की तरफ बैग दिया है। तो मैंने कहा दोनों बैटरी खोल के देखूँगा मैं, तो ये दो बैटरी है इसके अंदर, ये दोनों रिमूवेबल बैटरी है, इनको एक बार ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये निकल गई, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप, दोनों बैटरी निकल जाती है क्योंकि ये रिमूवेबल बैटरी है। इन्होंने भैया ने ये निकाल के दिखाया मेरे को। यहाँ आप इसका चार्जिंग लगा सकते हो, अगर आपको चार्ज लगाना तो बाहर निकाल के भी लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो। वैसे लगाने के लिए इसमें सॉकेट दे रखा अंदर की तरफ, तो मैंने कहा दोनों बैटरी निकाल के देख लेते हैं, डैमेज वगैरह तो नहीं है कहीं बैटरी। तो ये दोनों बैटरी निकाल के देखी मैंने, दोनों बैटरी सही थी, अच्छी कंडीशन में थी, डैमेज वगैरह कहीं से भी नहीं था। और आप भी देख सकते हो इस वीडियो में, आप भी अगर शोरूम पर जाए लेने के लिए तो आपको वीडियो ज़रूर बना लेना है, वीडियो बना के देखना है। और ये इसके साथ में ये चार्जर आया, तो मैंने कहा ये चार्जर भी लगा के दिखा दो मेरे को। यहाँ से ये लॉक होता है, दो की मिलती है, दूसरी वाले की से ये मतलब बैटरी वाले लॉक करने काम आता है, जो की आती है जो इसके साथ में। और ये जो चार्जर दिया है, चार्जर साथ में ये मेरे को बैग मिला है चार्जर रखने के लिए, बारिश वगैरह आ रही हो इसमें थोड़ा पानी वानी चला जाता है, कई लोग शिकायत करते जिन्होंने लिए। तो वैसे तो इन्होंने कहा पानी वानी जाएगा नहीं, लेकिन पानी वगैरह चला जाए तो इसका अगर चार्जर आपको साथ रखना है तो आप ये बैग भी साथ में रख सकते हैं। साथ में आपको ये टूल किट और फर्स्ट एड बॉक्स मिला साथ में, ये टूल किट में एक पाना है पेचकस है। और ये बंद कर देता हूँ मैं, इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको इसको एक बार, अपन चार्जर को देख लेते हैं कितना क्या वाट का चार्जर है ये और कितनी देर में चार्ज करेगा ये। ये देखो आप चार्जर देख सकते हैं, ये इसके अंदर जो ये चार्जर है ये सारा फुल चार्ज हो रखी है, सारी बैटरी, ये लास्ट वाली बैटरी चल रही है हल्की सी। इसके अंदर मैंने चार्ज लगा दिया इसको, क्योंकि मेरे को इसको 100 किलोमीटर लेके जाना है, इसलिए मैंने कहा फुल चार्ज कर लेते हैं एक बार, कितनी क्या रेंज दिखाता है ये मैं एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये चार्जर लग रखा है, यहाँ पर चार्जर के अंदर 3 बटन वगैरह दे रखे हैं। ये शोरूम के अंदर ही मैं चार्ज कर रहा हूँ इसको, मैंने कहा यहाँ चार्ज कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर गाड़ी को लेके जाना है तो। और डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ मैं, टाइम डिस्प्ले पर अपन देखते हैं तो इसमें 113 किलोमीटर रेंज और 7 मिनट बता रहा फुल चार्ज होने में। ये था अपने शोरूम का वीडियो। ऑल ओवर ये स्कूटर अच्छा है, अगर आपको ये लेना तो आप ले सकते हो। अमेज़ोन पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा अमेज़ोन से, आप अगर हमारे लिंक से मंगाते हो तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों ये था डिटेल वीडियो, अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें चला के दिखाएंगे आपको कितनी क्या रेंज है इसकी, कैसे क्या परफॉर्मेंस, चलने में कितनी क्या भक्ति है। तो ये सिर्फ परचेज़ के लिए था कि भी ऑनलाइन आप कैसे व्हीकल वगैरह परचेज़ कर सकते हो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज़ करने में कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे परचेज़ कर सकते हो। अगर ऑनलाइन पर परचेज़ करते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।